नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर के छत पर मुर्गी पालन पर। और आज मैं आ रखा हूँ यमुनानगर, जो कि अपना जगाधरी से हार्डली 3 से 4 किलोमीटर है। सो अपने एक फ्रेंड के घर में आ रखा हूँ, और उन्होंने भी छत पर मुर्गी पालन कर रखा है। सो खैर, लास्ट वीक भी मैंने सोचा था चलो यहाँ पर आकर के वीडियो बनाई जाए, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे, अंधेरा था, सो इस वजह से खैर उस टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं हो पाई। सो इस वजह से खैर फिर आज मैं आया हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने इस एरिया की। सो अगर इस तरफ आप देखोगे, सो इन्होंने जो सब्जी वगैरह है या दूसरे पौधे हैं, सो वो इन्होंने यहाँ पर लगा रखे हैं थर्माकोल के बॉक्स पे। सो इस तरह से आप लोग भी अरेंजमेंट कर सकते हो, और हमने भी इसी तरह से कर रखा है। कुछ गमले हैं, कुछ थर्माकोल के बॉक्स है, तो इस तरह से फल सब्जी वगैरह आप लोग लगा सकते हो। उसके अलावा बात करें अगर शेड की, सो इस साइड आप देख सकते हो, सो इन्होंने शेड डाल रखा है। और हालांकि जो छत है इनकी वो स्टील वाली चादर होती है, जो टीन जिसे हम बोलते हैं, सो उसका इन्होंने बना रखा है। और बात करें अगर शेड की एरिया की, सो 15x20 का इनका शेड है। और शुरुआत भी इन्होंने कुछ ऐसे ही करी थी कि मतलब ज़्यादा नहीं तो 3-4 मुर्गियों से इन्होंने शुरुआत करी थी। और शुरुआत में जहाँ तक मुझे ध्यान है, मतलब इनको ये नहीं पता था कि घर के छत पर मुर्गी पालन वो मेरा चैनल है। सो इन्होंने खैर उसमें कमेंट करा था कि हम भी यमुनानगर से हैं और हम आपसे मिलना चाहते हैं करके। तो खैर मैंने जब फ़ोन नंबर इनको शेयर करा, तो फिर उन्होंने देखा कि मेरा नंबर इनके पास ऑलरेडी सेव था इनके फ़ोन में। सो खैर इनको लगा कि पता नहीं कौन होगा, किसका चैनल होगा कि जो जगाधरी से है। तो खैर इस तरह से फिर इन्होंने बातचीत हुई हमारी, तो इन्होंने बताया कि हमने 3-4 पाल रखी है उस टाइम। तो खैर बीच में जो भी इनके थोड़े बहुत डाउट्स थे वो सारे क्लियर करवाए। फिर थोड़ा सा इन्होंने मतलब रिस्क लिया एक तरह से, और जो बड़ा शेड है वो इन्होंने डाल रखा है। सो 15x20 का इनका शेड है। और बात करें अगर शेड की, सो आप देख सकते हो कि प्रॉपर जो वेंटिलेशन है वो चीज़ इन्होंने कर रखी है। हालांकि बरसात के टाइम पे थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर है, और अभी अंदर चल के वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि जो दरवाज़ा है वो ऐसे जाली वाला है, और बाकी जो खिड़की है उसके लिए तो खैर इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है कि जो तिरपाल है उससे लोग ढक देते हैं इसको। लेकिन बरसात का टाइम है और ये जाली वाला दरवाज़ा है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ जो पानी है वो जाता ही अंदर। सो चलो अभी खैर अंदर चलते हैं और अंदर से भी दिखाते हैं आप लोगों को। सो भाइयों, ये अभी हम लोग आ गए हैं अंदर, और सेम वही थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि रोशनी की दिक्कत हो जाती है। शाम का टाइम है, अभी 6 बज गए हैं लगभग, और एक जो बल्ब है वो इन्होंने लगा रखा है। बाकी अगर पीछे की तरफ की बात करें, सो इस तरह से 2 खिड़कियां हैं ऊपर, और नीचे भी अगर आप देखोगे सो मतलब क्रॉस वेंटिलेशन ठीक ठाक है। बाकी छत के लिए मैंने आपको बता दिया था कि जो टीन की चादर होती है वो इन्होंने ढक रखा है। और उसके अलावा ये पोर्शन मैंने आप लोगों को बाहर से दिखाई दिया था कि किस तरह से 2 बड़ी खिड़कियां हैं और साथ में दरवाज़ा है। और बरसात का टाइम है, सो दिक्कत मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या दिक्कत होती है। सो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे, एक तो बर्ड्स जो हैं वो ज़्यादा है, और दूसरी दिक्कत ये है कि जब बरसात का पानी इसमें आता है, सो उस केस से भी मतलब जो थोड़ी महक सी है वो उठने लगती है। सो अभी भी हल्की हल्की महक है, और हालांकि लास्ट संडे ही इन्होंने इसकी सफाई करी थी, क्योंकि जब मैं आया था तब तक सफाई हो चुकी थी, और जो धान का छिलका है वो इन्होंने बिछा दिया था। और बात करें तो उस दिन से आज पूरे 7 दिन हो रहे, और 7 दिन में कंडीशन आप देख सकते हो। सो मतलब जहाँ पे पानी नहीं पड़ा वहाँ पर तो सही है, अगर इस साइड में अगर हम बात करें कोने की, सो वहाँ पे पानी इतना नहीं पड़ा है तो वहाँ पे सूखा है अच्छा खासा। लेकिन जैसे दरवाज़ा है या इसके आसपास का जो एरिया है जहाँ पर पानी पड़ता है, सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि थोड़ा बहुत जो कीचड़ सा है, मतलब कीचड़ तो नहीं कहूँगा लेकिन जो गीलापन है वो इसमें हल्का फुल्का हो रखा है। सो चलिए बात कर लेते हैं अभी बर्ड्स की। सो बर्ड्स जो है इन्होंने ये वाला जो लॉट है ये इनका पहले ही लॉट है, और ये इन्होंने डाला था 1 दिन का चिक, और RIR की जो ब्रीड है वो उन्होंने रखी हुई है, और साथ में कुछ जो है कड़कनाथ। सो बीच बीच में जो आप काली मुर्गी देख सकते हो, सो वो सारी कड़कनाथ है और प्योर है, क्योंकि इनका अगर आप मुंह खोल के देखते हो तो अंदर से भी काली है, आंखें भी काली है, और जिनकी कली है पंजे हैं तो ओवरऑल जो काले कलर में है। सो ये कड़कनाथ है, और उसके अलावा जो RIR है, सो अभी इनके पास अराउंड 150 बर्ड्स हैं। तो अगर आप देखोगे तो चारों तरफ आपको जो बर्ड्स हैं वो नज़र आ सकती है।
सो कुछ इस तरह का इन्होंने अरेंजमेंट करा हुआ है। और इस साइड की भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सूखा पड़ा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं पड़ता, लेकिन जैसे दरवाजे के सामने की जगह हो गई या खिड़की के बगल वाली जगह हो गई तो वहाँ पर थोड़ा बहुत पानी है, सो इस वजह से हल्की सी महक भी उठती है, तो बीच बीच में खैर इनको भी सफाई करनी पड़ती है। उसके अलावा अगर बात करें फीड की और पानी की, सो आप देख सकते हो कि प्रॉपर जो फीडर है वो इन्होंने टांग रखे हैं, साथ में जो ड्रिंकर है वो इन्होंने यहाँ पे लगा रखे हैं, और टाइम टाइम पर जो इनकी वैक्सीनेशन है वो भी प्रॉपर हो रही है। और उसके अलावा अगर बात करें फीड की, सो अभी इनको ग्रोअर फीड चल रहा है और सेम जगह से हम लोग लेते हैं, क्योंकि जहाँ से मैं फीड लेकर के आता हूँ वहाँ से लेकर के आते हैं, बस डिफरेंस इतना पड़ जाता है कि मेरा जो फीड का कट्टा है लगभग वो महीने भर चलता है और इनका हफ्ते से कम, मतलब 5 से 6 दिन में इनका एक बैग जो 50 kg का है वो पूरा लग जाता है। तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट इन्होंने कर रखा है। और फीड की अगर हम बात करें तो देख सकते हो कि इन्होंने फीड इसमें डाल रखी है और बर्ड्स जो हैं वो फीड खा रही है, साथ में पानी का भी अरेंजमेंट है। लेकिन पानी में थोड़ी सी दिक्कत ये ज़रूर हो जाती है, क्योंकि अगर अभी आप देखोगे तो एक बर्ड जो है वो ड्रिंकर के ऊपर बैठी हुई है, तो ऐसे में क्या है कि जब वो बीट वगैरह करती है सो वो पानी में गिरता है, तो फिर उससे कुछ ना कुछ जो दिक्कतें हैं वो ज़रूर होती है ना। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम ऐसे कर सकते हैं कि इसके ऊपर कोई कोन लगा दिया जाली का, ताकि उसके ऊपर बर्ड बैठ ना सके, है ना। कुछ मतलब इस तरह का अरेंजमेंट हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा कि जो पानी है वो हमारा ज़्यादा टाइम तक के साफ़ सुथरा रह सकता है। सो उम्मीद करता हूँ कि ये सेटअप देख करके भी आपको ज़रूर खुशी हुई होगी। और साथ ही मैं एक एडवाइस और देना चाहूँगा, जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं सो वो कर सकते हैं इस तरह से, लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा कि पहले आप बड़े बर्ड से ही शुरू करो। इनके साथ ये था कि इन्होंने एक डे का चिक जो है वो डाला, और साथ ही साथ जो डॉक्टर की विजिट्स है, मतलब रेगुलर जो वैक्सीन है या हल्का कुछ भी अगर बीमारी सी अगर होती है तो तुरंत ही डॉक्टर को बुलाते हैं या उस पर जा कर के जो मेडिसिन वगैरह है वो लेकर के आते हैं। और अगर बात करें मोर्टेलिटी रेशियो की सो ना के बराबर है, क्योंकि ये अराउंड 180 के आसपास ये लोग बर्ड्स लेकर के आए थे और अभी 150 से 160 के आसपास इनके पास हो रखे हैं। सो RIR और साथ में कुछ चिक्स ये जो है कड़कनाथ के लेकर के आए थे, तो सारे एक ही एज के हैं और अभी लगभग ये 2.5 से 3 महीने के हो रहे हैं। और बाकी अगर हम बात करें बर्ड्स की हेल्थ की सो आप देख ही सकते हो कि कैसे ठीक ठाक आपको नज़र आ रहे हैं, हेल्दी भी है, फीड टाइम पे है, पानी टाइम पे है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि फ़ीड जो है वो टाइम से देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रखा है जैसे हम लोग भी करते हैं कि फ़ीड जो है वो 24 आवर्स लगा रहता है, मतलब जब खाली दिखे हमें कंटेनर या फीडर की अगर हम बात करें सो तब उसमें आप फीड डाल दो, ताकि मुर्गियों को जब भूख लगे वो तब खा सके। उसके अलावा थोड़ी सी दिक्कत है इस शेड में, जैसे अगर आप देखोगे, क्योंकि वेंटिलेशन वगैरह के लिए एग्जॉस्ट फैन वगैरह का भी यूज़ कर रखा था कि स्मेल भी ना आए। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये थोड़ा सा आउटर एरिया है, अगर पीछे की हम बात करें सो जंगल जंगल तो नहीं कहूँगा, किसी का मतलब बड़ा अच्छा खासा प्लॉट है तो पॉपुलर वगैरह उन्होंने लगा रखे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगल बगल वालों को कोई ऑब्जेक्शन है कि बदबू आ रही है कुछ ऐसा है। लेकिन अगर आप तार देखोगे बिजली की सो वो नीचे जा रही है, तो ऐसे में कई बार ये होता है कि शॉर्ट सर्किट वगैरह होने से, क्योंकि नीचे जो है धान का छिलका है ना, तो इनकेस अगर कोई चिंगारी वगैरह उठती है तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा कुछ हादसा होने की थोड़ी बहुत संभावना रहती है। तो हालांकि ये चीज़ मैंने इनको लास्ट वीक भी मैंने इनको बोला था कि जो तार है वो ऊपर कर लें, और तार अगर ऊपर करते हैं तो उसमें दिक्कत ही हो जाती है कि बर्ड्स उछल करके उसमें बैठती है, तो या तो वो इतनी हाइट में हों, जैसे अगर आप देखोगे कि बल्ब का जो तार है कि जो ये पैनल है या गाटर हमारे यहाँ पे बोलते हैं या जो पाइप्स इन्होंने लगा रखे हैं सो या तो उसके साथ साथ चले तो फिर कोई दिक्कत ना हो, है ना। लेकिन अभी जैसे जो तार नीचे जा रही है तो ऐसे में कुछ ना कुछ हादसे होने के चांसेस रहते हैं। सो उम्मीद करूँगा, वैसे तो खैर मैं इनको अभी भी बोल दूँगा कि इसको ऊपर कर लेंगे, तो उम्मीद करते हैं अभी कि आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। हालाँकि बाहर अभी रोशनी है ठीक ठाक, 6:30 का टाइम लगभग हो रहा है, लेकिन अंदर थोड़ा सा अंधेरा सा हो रहा है, जिस वजह से जो वीडियो क्वालिटी है वो थोड़ी सी लो जा रही है। सो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त कर लेते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही ये सेटअप कैसा लगा और
कुछ इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और हम कोशिश करेंगे कि उनका जो जवाब है वो हम आप लोगों को दे सके। और साथ ही फिर दोबारा से, यदि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। और साथ ही आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।